एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा एंड दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मोस्टली कैलकुलस 2 का सब्जेक्ट होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कैलकुलस 2 की आउटलाइन बताई थी और आगे उसी के मैं आर्टिकल्स को डिस्कस करूँगी अपनी वीडियोज़ में। अभी हम पहला आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं जो कि था इंटीग्रेशन टेक्निक्स। इंटीग्रेशन टेक्निक्स में मैंने आपको बेसिक फॉर्मूलाज करवाए हैं और अब मैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा रही हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कंसेप्ट पहले आपको आना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम अप्लाई करते कब है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब ये है कि इंटीग्रल लेना लेकिन पार्ट्स में लेना। यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि इंटीग्रल लेने से मुराद ये है कि अगर हम किसी चीज़ को पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब वो एक चीज़ तो नहीं है, वो एक से ज़्यादा है तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ जाए तो आपके फौरन माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पे इंटीग्रल प्रोडक्ट का आएगा, हमारे पास फंक्शन एक से ज़्यादा होंगे। इसका मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ मेरे पास एक फंक्शन है यू और एक फंक्शन है वी। तो अगर मेरे पास u और v का प्रोडक्ट पे इंटीग्रल अप्लाई हो तो मैं इसको इंटीग्रल u इंटीग्रल v कहने का मतलब ये हुआ, जैसे हम सम में करते हैं कि अगर सम आ जाए तो अलग अलग इंटीग्रल लेके प्लस कर देते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट आ जाए और प्रोडक्ट पे हमने इंटीग्रल लगाना हो तो वो इंटीग्रल इंडिविजुअल इंटीग्रल के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके लिए कोई और फॉर्मूला चाहिए। इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा उसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका फॉर्मूला कैसे होगा मैं आपको थोड़ा बताऊं। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक फंक्शन है 1 और एक फंक्शन है 2, इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है, और अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी कोई भी मैंने एक्स लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एक्स ही होगा, डी वाई भी हो सकता है, डी जी भी, कोई भी पैरामीटर आपको दे सकते हैं, टी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए इंटीग्रल में तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें कहती है कि क्या करेंगे हम, फर्स्ट इन जो फंक्शन होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। एज इट इज़ से मुराद है कि उसको हम छेड़ेंगे ही नहीं। पहला फंक्शन जो होगा वो वैसे का वैसे आ जाएगा। इंटीग्रल आएगा सेकेंड फंक्शन का माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, और इसको हम ब्रैकेट को इस तरह क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला बन जाएगा। देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन अगर इसको प्रैक्टिस की जाए तो ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, मैंने पहले को 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे को 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डीएक्स। जब मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल करवाऊंगी तब आपको इस चीज़ की समझ आएगी कि ये मैंने क्या लिखा है और किस तरह हमने इसको वैल्यूएट करना है। अभी मैं सिर्फ इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हमने इस तरह खोलना है। यहाँ पे आप इस चीज़ को बाद में और इस चीज़ को पहले नहीं लिख सकते। जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही इसको हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे फर्स्ट अगर एज इट इज़ है तो आप सेकेंड को एज इट इज़ नहीं ले सकते, आपने फर्स्ट को ही एज इट इज़ लेना है। अभी मैं इसको जब एग्जांपल्स करवाऊंगी आपको मज़ीद इसकी समझ आएगी। अगर यहाँ पे मैं कह दूँ लेट i इज इक्वल टू एफ एक्स आई या फिर 1 एंड जो 2 है वो हमारे पास g डेरिवेटिव x के इक्वल है। इसी फॉर्मूला के अंदर मैंने i की जगह एफ एक्स और जो सेकंड नंबर है उसकी जगह डेरिवेटिव ऑफ gx लिख दूँ तो यही फॉर्म किस तरह चेंज होगी। इंटीग्रल एफ एक्स जी डेरिवेटिव एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको जी डेरिवेटिव एक्स भी कह सकते हैं, जी प्राइम एक्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट एज इट इज़, तो फर्स्ट मैंने कहा था ये फंक्शन है तो फर्स्ट एज इट इज़ इसका मतलब एफ एक्स एज इट इज़ लिखेंगे। इंटीग्रल जी प्राइम एक्स का माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट
फिर से इंटीग्रल किसका, सेकंड का, तो सेकंड हमारे पास जी डेरिवेटिव एक्स है, आगे डेरिवेटिव किसका, फर्स्ट का इंटू डी एक्स। तो जो ये इसका जो भी आंसर आएगा उसका अगेन यहाँ पे सेकंड इंटीग्रल होगा, और उसका जो आंसर आएगा वो इस टर्म में से माइनस किया जाएगा, तब हमारे पास इस टर्म की पूरी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाए कि व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख दें, तो आप क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले बताएंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती क्या है, क्या होती है। जब हमारे पास प्रोडक्ट आ जाए तो वो इक्वल नहीं होती प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल इंटीग्रल्स, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि ये है, क्योंकि यहाँ पे ये रियल नंबर्स नहीं है, यहाँ पे ये फंक्शंस की हम बात करेंगे। जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें तो हम कहते हैं कि दो चीज़ों का सम हो रहा है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो उसको हम इंडिविजुअली भी ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं फंक्शंस, तो फंक्शंस में अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है और उसका इंटीग्रल लेना है, तो वो सेपरेटली इंटीग्रल का प्रोडक्ट नहीं होगा, बल्कि उसका ये फॉर्मूला होगा, हमने उसको इस तरह ओपन करना है। अब हम इससे रिलेटेड करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ताकि आपको समझ आए कि हम किस तरह इस फॉर्मूले को एवेल्यूएट करेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर वन, इंटीग्रल प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड कोज एक्स। तो यहाँ पे एक्स एक टर्म है और कोज एक्स सेकेंड टर्म है, तो मैं कह सकती हूँ एक्स एक फंक्शन है, कोज एक्स सेकेंड फंक्शन है। तो हमारे पास क्या हुआ, प्रोडक्ट आ गया किसका, दो फंक्शंस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिंपली इसको एवेल्यूएट नहीं कर सकते, इसके ऊपर लगेगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड कौन सा है, क्योंकि ये आपको बताया नहीं जाएगा, ये आपने खुद सोचना है कि इसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड कौन सा है। मोस्टली हम जब चूज़ करते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो हम देखते होते हैं कि यहाँ पे इस फंक्शन में जब हम इसको खोलेंगे तो डेरिवेटिव किस चीज़ का पॉसिबल है, जिस चीज़ का डेरिवेटिव ईजिली लिया जाए हम उसको फर्स्ट फंक्शन कहते हैं। ये था एक कंसेप्ट। एक कंसेप्ट और भी है इसका, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा आपने लेना है और सेकंड कौन सा लेना है। उस कंसेप्ट को हम कहते हैं आइलेट कंसेप्ट। आइलेट का आपने वर्ड अपने जहन में याद रखना है, इसके ऊपर आपको पता चल जाएगा कि आपने किस फंक्शन को फर्स्ट कहना है और किसको सेकंड कहना है, जिससे आपकी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। आई लेट से मुराद है, आई रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे इनवर्स फंक्शन को। इनवर्स फंक्शन कौन से होते हैं, एक्स माइनस वन, ई माइनस वन, यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन कर लें जैसे एक्स माइनस टू, वाई माइनस थ्री, तो ये सारे इनवर्स फंक्शंस हैं, क्योंकि इनकी जो पावर्स हैं वो क्या है, नेगेटिव। तो इसको हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन। तो आई रिप्रेजेंट करेगा इनवर्स फंक्शन, उनकी शक्लें कुछ इस तरह की होंगी। एल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है लॉग फंक्शंस को, जिसे हम लॉगरिथमिक फंक्शंस कहते हैं। लॉग फंक्शंस जो होते हैं वो आपको पता है लॉग की फॉर्म में होंगे, लॉग या फिर ln की फॉर्म में होंगे। ए यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एलजेब्रिक को, एलजेब्रिक फंक्शन को। एलजेब्रिक फंक्शन जैसे x आ गया, x स्क्वायर आ गया, y क्यूब आ गया, x थ्री प्लस वन आ गया, तो ये सारे जो फंक्शन हैं ये हैं एलजेब्रिक फंक्शन। आई रिप्रेजेंट करता है इनवर्स को, एल लॉगरिथमिक को, ए एलजेब्रिक को। टी यहाँ पे रिप्रेजेंट करे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। ट्रिग्नोमेट्रिक हमें पता है साइन एक्स, कोज एक्स, जितने भी एंगल होंगे, कोज टू थीटा, साइन टू थीटा, टेंजेंट थीटा एक्सेट्रा, जितने भी एंगल्स होंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, यहाँ पे टी उनको रिप्रेजेंट करेगा। ई रिप्रेजेंट करेगा एक्सपोनेंट फंक्शंस को, जिसकी कोई ना कोई पावर होगी। जैसे ई की पावर में हम लिख लें माइनस, ई की पावर लिख लें टू, ई की पावर लिख लें थ्री, ई की पावर लिख लें एक्स, ई की पावर में हम लिख लें वाई, तो ये जो फंक्शंस होते हैं इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट फंक्शंस। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि आई लेट का मतलब क्या है। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल ए टी ई।
अब आपने देखना है आई लेट के थ्रू जो चीज़ पहले आएगी उसको आपने फर्स्ट फंक्शन कहना है, जो चीज़ बाद में आएगी उसको आपने सेकंड फंक्शन कहना है। अगर मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, तो यहाँ पे अगर हम आई लेट का कंसेप्ट लगा दें, यहाँ पे एक्स एक फंक्शन है और कोज एक्स दूसरा फंक्शन है। अब हमें ये नहीं पता कि एक्स को हमने फर्स्ट कहना है या कोज एक्स को फर्स्ट कहना है। तो आप देखेंगे जो पहला फंक्शन है वो कौन सी शक्ल में है। तो पहला फंक्शन हमारे पास है अल्जेब्रिक, दूसरा हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अब आप आई लेट के थ्रू देखेंगे कि इनमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा आएगा और सेकंड कौन सा आएगा। आई लेट में इनवर्स लोगरिथमिक के बाद अल्जेब्रिक आ रहा है, इसका मतलब अल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर दोनों फंक्शंस आ रहे हैं तो अल्जेब्रिक फर्स्ट होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड होगा। तो आप एक्स को कह देंगे फर्स्ट फंक्शन और कोज एक्स को कह देंगे सेकंड फंक्शन। तो ये आपको पता चल गया कि किस तरह आपने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किस तरह रिकॉग्नाइज करने हैं। फिर आगे आपने जब आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का पता चल जाएगा, आपके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि इसको देखना बस मुश्किल है। आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बस आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी तो आगे जाके आप बहुत फंस जाएंगे, हो सकता है कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाए, हो सकता है कैलकुलेशन हो ही ना। तो फिर आपने बाद में जो फंसना है तो आप पहले ही इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा कि इस फॉर्मूला के थ्रू फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड कौन सा है। अब यहाँ पे x हमारे पास फर्स्ट है और cos x सेकंड है, तो इसके ऊपर जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो किस तरह लगेगी, x cos x dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। तो फर्स्ट क्या है x, सेकंड क्या है cos x। तो फर्स्ट एज इट इज़ इसका मतलब x एज इट इज़, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड सो कोज एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी एक्स। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दिया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस होगी तो बहुत ही आसान हो जाएगा। फर्स्ट एज इट इज था, इंटीग्रल मैंने सेकेंड का लिया माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल सेकेंड का डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, एक्स इंटीग्रल कोज एक्स का हमें पता है क्या होता है साइन एक्स, तो मैं यहाँ पे साइन एक्स लिख रही हूँ। आपको ये इंटीग्रेशन आनी चाहिए, इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में फॉर्मूलाज दे दिए थे सारे बेसिक, ताकि वो आप प्रिपेयर कर लें, आपके लिए इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी। माइनस एज इट इज इंटीग्रल एज इट इज। अब हम इसके अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व पहले करेंगे, इंटीग्रल कोज एक्स का क्या होता है साइन एक्स, डेरिवेटिव एक्स का क्या होता है वन डी एक्स। यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं था, हमने इंटीग्रल लेना है कोज एक्स का तो वो साइन एक्स आ गया, डेरिवेटिव हमने लेना है एक्स का तो वो था वन। तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ गया इस वाली ब्रैकेट का। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं आगे, एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स। जब मैंने इसको ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया, साइन एक्स इंटू वन किया तो साइन एक्स ही आया, तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म बन गई, एक्स साइन एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया, इसका हमने इंटीग्रल ले लिया, ये अब साथ वैसे ही चलता जाएगा। जो चीज़ अब हमारी सॉल्व करने वाली रहेगी वो हम करते जाएंगे। इंटीग्रल साइन एक्स का अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कोज एक्स प्लस सी। सी मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल है वो इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट का मतलब क्या है कि इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। जब भी इनडेफिनेट चीज़ इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं तो हम सी लगाते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो मैंने यहाँ पे वही सी लगा दिया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स साइन एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस कोज एक्स प्लस सी। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इसका, इंटीग्रल ऑफ x इंटू कोज एक्स डी एक्स का, वो आ जाएगा x साइन x प्लस कोज एक्स प्लस सी। बहुत ही ईजी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टॉपिक, इससे रिलेटेड मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको करवाती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अगर आपको ये फिर भी मुश्किल लगे तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन इससे रिलेटेड करवा सकूँ। नेक्स्ट हम करते हैं एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल ई एक्स कोज एक्स डी एक्स। यहाँ पे भी हमारे पास आप पहले देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट है, अगर तो प्रोडक्ट नहीं है तो मसला ही नहीं, इंटीग्रेशन ले लें सिंपल, लेकिन अगर प्रोडक्ट है तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगी। यहाँ पे आप नोट करेंगे यहाँ पे कितने फंक्शन हैं, यहाँ पे एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है।
यहाँ पे ये फंक्शन e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और cos x ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो i लेट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे इसमें फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है। तो हमारे पास एक है ट्रिग्नोमेट्रिक और एक है एक्सपोनेंशियल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और एक्सपोनेंट जो फंक्शन है उसको हम कहेंगे सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे हमने पहले देख लिया कि फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है, तो हमारा आधा काम तो यहीं पे हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ई एक्स कोज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज़, तो फर्स्ट क्या है कोज एक्स, तो कोज एक्स एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है ई एक्स माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी एक्स। तो यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल सेकंड का और डेरिवेटिव फर्स्ट का और डी एक्स वैसे आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस एक्स इंटीग्रल ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स ही होता है, तो यहाँ पे आ गया ई एक्स माइनस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ई एक्स की इंटीग्रल ई एक्स ही आ जाएगा और कोज एक्स का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स। फर्दर सॉल्व करेंगे तो कोज एक्स ई की पावर एक्स माइनस, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई एक्स साइन एक्स डी एक्स, इस माइनस को हम बाहर ले जाएंगे तो हमारे पास ये माइनस प्लस हो जाएगी, इसको मैं आगे पीछे भी लिख सकती हूँ ई एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस इंटीग्रल ई एक्स साइन एक्स डी एक्स। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया, जब आप यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे आपने रुकना है, आपने देखना है कि क्या अब आगे ये सिंपल क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अगर देखें हम अपनी पहली एग्जांपल को, तो जब हमने ये वाला स्टेप किया था तो हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन आ गया था, तो हमने उसके ऊपर सिंपली इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। यहाँ पे हमने जब देखा तो हमारे पास एक फंक्शन नहीं बना, दोबारा से दो फंक्शंस बन गए, इसका मतलब इस फंक्शन के ऊपर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगी, तो हम इसके ऊपर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। इसको ऐसे सवालों को हम कहते हैं रिपीटेडली यूज ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस तरह के क्वेश्चंस में होती है जिसमें क्या होता है हम इंटीग्रल को सॉल्व करते जाते हैं, अगर वो दो फंक्शंस आए तो हम बार बार उसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ई एक्स कोज एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, इस पूरी टर्म को मैं कह देती हूँ आई, और यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं स्टेरिक का नाम दे के रोक दूँगी। अब इस i इंटरवल को मैं आगे सॉल्व करूंगी और जो भी इसका आंसर आएगा मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। सो लेट i हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास i क्या है ई एक्स साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू, इसमें भी हम देखेंगे फर्स्ट सेकंड कौन सा है, तो साइन एक्स हमारे पास फर्स्ट बनेगा और ई एक्स हमारे पास फिर से सेकंड फंक्शन बनेगा, तो साइन एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी एक्स। जब आप इसको एक दो दफा इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो आपको ये फिंगर टिप्स पे आ जाएगा, साइन एक्स इंटीग्रल ई एक्स का क्या होगा ई एक्स ही माइनस इंटीग्रल, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल ई एक्स का ई एक्स डेरिवेटिव साइन एक्स का कोज एक्स डी एक्स। अब अगर हम नोट करें तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हमने देखा, पहले हमने इसको सॉल्व किया तो इसमें एक और टर्म आ गई दो की, दोबारा सॉल्व किया फिर से दो टर्म आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन बार बार हमें इस तरह की शक्ल में ले जाएगा और हम बार बार उसको सॉल्व करते फिरेंगे। इस तरह का जब सवाल आ जाए मोस्टली ये तभी होता है जब ई एक्स और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है अपनी वैल्यू को रिपीट करता रहता है, इसलिए बार बार सेम वैल्यूज आती रहती हैं। जब भी आपके पास एक्सपोनेंट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए आपने फौरन जहन में बिठा लेना कि इसकी इंटीग्रेशन आपको कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी। आप सबसे पहले क्या करोगे,
इंटीग्रल लोगे, दो फंक्शंस आएंगे, उसको आई से लेट करोगे, आई का लेट करने के बाद जो उसकी वैल्यू पहली आएगी, आपने देखना है क्या ये वही टर्म आ गई जो सवाल था। तो यहाँ पे ये वही टर्म आ गई जो हमारे पास सवाल था, तो आपने रुक जाना है। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इसमें पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन स्टेरिक। जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ई एक्स कोज एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स कोज एक्स डी एक्स, और ये किसके इक्वल था, ई एक्स कोज एक्स डी एक्स के। तो जब आपने देखना है ना ऐसे सवाल के अंदर, ये हिंट है आप याद रख लें, जब भी एक्सपोनेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा उसमें इस तरह की सिचुएशंस बनेंगे, आपने इस तरह उसको सॉल्व करना है। तो आपने क्या करना है, जब आपको लगे कि आपने जब सेकंड को सॉल्व किया दोबारा से वही सवाल आ गया जो सवाल हमने शुरू किया था, तो फिर आपने वहीं पर रुक जाना और उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। पुट करने के बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो हम इन दोनों टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। तो इंटीग्रल ई एक्स कोज एक्स डी एक्स, जब हम इस टर्म को इक्वल के इस साइड पर लेके जाएंगे तो ये माइनस में यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगी, और इस टर्म को हम यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये टर्म और ये टर्म सेम है तो हम इनको टू ई एक्स कोज एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, इसकी वैल्यू, तो ये जो टू है ये इसके साथ एक्स्ट्रा है, तो हम इस टू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे टू मल्टीप्लाई रहता है, दूसरी साइड पे जब जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे आके डिवाइड कर देंगे। सो ई एक्स कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू इंटू ई एक्स कोस एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स। इसको हम फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं, वन बाई टू ई एक्स बाय कॉमन, अंदर आ जाएगा कोज एक्स प्लस साइन एक्स। चाहे आप ऐसा लिख लें, चाहे आप ऐसा लिख लें, चाहे आप ई एक्स ओवर टू कर दें, ये तीनों ही आंसर ठीक हैं। चाहे आप इस तरह लिखें, चाहे इस तरह लिखें, चाहे इस तरह लिखें, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये यहाँ पे आपने एक हिंट रख लेना है कि अगर इंटीग्रल के अंदर एक एक्सपोनेंट फंक्शन आ जाए साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, तो उसके अंदर आपने नोट कर लेना है कि जब उसकी ओरिजिनल वैल्यू जितना उसके अंदर एक फंक्शन आ जाए तो आपने फौरन से उसको पुट करके इसी तरह जैसे मैंने किया है, इसको इंटीग्रल को इधर ले गए, ये टू हो गया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आपने उसको प्रॉपर सॉल्व नहीं करना, पूरा आगे करते नहीं जाना, आपने अपना देखना है कि क्या ये सवाल दोबारा से जो सवाल था वही जवाब में आ गया। अगर तो आ गया तो आपने उसको वहीं पे स्टॉप करना है और उसको इस टेक्निक से सॉल्व करना है। सो ये था हिंट और ये थी एग्जांपल नंबर टू। अब हम करते हैं एक और एग्जांपल, एग्जाम्पल में भी हमारे पास प्रोडक्ट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक और सेकंड एक्सपोनेंट है, तो आई लेट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पहला कौन सा इनमें से बनेगा और सेकंड कौन सा बनेगा। तो अलजेब्रिक और अलजेब्रिक और एक्सपोनेंट में अलजेब्रिक पहले आ रहा है और एक्सपोनेंट फंक्शन बाद में आ रहा है, तो अलजेब्रिक को हम फर्स्ट कहेंगे और एक्सपोनेंट को सेकेंड कहेंगे। तो एक्स के हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ई एक्स हमारे पास सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डीएक्स। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड जो कि ईएक्स था, तो इसका आ जाएगा ईएक्स माइनस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स आ जाएगा,
डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, तो 2 पहले एक्स की पावर में से माइनस 1, अगेन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट लिख रही हूँ 2x आ जाएगा माइनस। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीपल है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, तो हमारे पास ई एक्स इंटू एक्स डी एक्स। अब हमें पता चल गया कि जो हमारी अलजेब्रिक फॉर्म थी जिसकी पावर 2 थी वो 1 डिक्रीज होके 1 हो गई है। अब हम दोबारा इसको करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी भी ये प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, इसमें एक फंक्शन अलजेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ, दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा इस पार्ट पे। तो हम इसके ऊपर दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, इसमें फिर से ये फर्स्ट और ये सेकंड, सो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे मैंने इस पार्ट पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दी। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने कर दिया, या फिर आप इस पूरे पार्ट को सपोज कर दें किसी भी लेटर के इक्वल, जैसे मैंने पहले किया था आई के इक्वल कर दें और इसको स्टैटिक कहकर आई को सॉल्व करके इसमें वैल्यू पुट कर दें। आप वैसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। सो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू इंटू एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स है, तो इसका जब इंटीग्रल लेंगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा माइनस इंटीग्रल। इस पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स डेरिवेटिव एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 डी एक्स। ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स। अब इसको सब सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन आ गया, अब हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, इसके ऊपर सिंपली आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। जब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ई एक्स प्लस सी आ जाएगा, ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, चाहे इसको पहले लिख लें चाहे इसको पहले लिख लें, माइनस टू। अब टू अंदर मल्टीप्लाई होगा एक्स ई एक्स के साथ, फिर माइनस टू मल्टीप्लाई होगा माइनस ई एक्स के साथ, तो प्लस टू ई एक्स हो जाएगा। माइनस टू मल्टीप्लाई होगा सी कॉन्स्टेंट के साथ, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कॉन्स्टेंट होगा, तो उसको मैं सी ही लिखूंगी, मुझे उसको माइनस टू सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू ई एक्स एक्स प्लस टू ई एक्स प्लस सी, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपने इसको और मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो आप पहली दूसरी और तीसरी टर्म में से ई एक्स कॉमन ले लें और ब्रैकेट में इन तीनों का आंसर लिख दें तो ये भी आंसर ठीक होगा, ये भी ठीक है, और अगर आप एक स्टेप और कर लें तो वो भी ठीक होगा। तो यहाँ पे ये थी मेरे पास एग्जांपल नंबर 3। मैंने आपको पहली एग्जांपल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म करवाई है, सेकंड पे मैंने आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट फॉर्म करवाई है क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में आते हैं जिसमें आपको रोकना पड़ता है सवाल को, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो करते जाते हैं और एंड पे जाके कन्फ्यूज रहते हैं कि जवाब क्यों नहीं आ रहा, तो आपने उसको रोक देना है। जब भी एक्सपोनेंट ट्रिग्नोमेट्री आएगा आपको पता चल जाएगा कि इधर आपने रुकना है। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने आपको बताया कि किस तरह आपने, अगर अलजेब्रिक और एक्सपोनेंट है तो किस तरह आपने उसको लेके चलना है, किस तरह आपने उसका जब तक एक टर्म नहीं आती आपने उसको सॉल्व करते जाना है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा पहला ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगा के कि क्या एक्स की पावर यहाँ पे कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा तो होगी नहीं, ऑब्वियसली कम ही होगी, तो उसको रिड्यूस करते जाना है जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। अगर यहाँ पे एक्स की पावर 3 होता तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 आता, दोबारा से लगता फॉर्मूला, फिर एक्स आता, फिर से लगता फॉर्मूला, फिर एक्स ख़त्म होता, तो आपने उसको 3-4 स्टेप्स पर लेके जाना था। तो मज़ीद आगे एप्लीकेशन हैं, आपको मैंने रिकमेंडेड बुक्स बताई हुई हैं, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की वहाँ से मैक्सिमम एप्लीकेशंस कर सकते हैं। अगर किसी एप्लीकेशन में कोई मसला है तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी लिंक्स मेंशन की हैं। अगर कोई और आर्टिकल आपको समझना है इन आर्टिकल्स के अलावा तो आप मुझे वो भी बता दें। अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।